नमस्कार एंड हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी हाल ही में घटित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 2 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से 3 बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में 3 बैंकों को बनाकर एक ही बैंक बनाया गया है। ऑप्शन है हमारे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक या ए बी तथा सी तीनों। तो जो हमारा है ये तीनों, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक कर दिया गया है। यानी बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलिए हमारा अगला जो सवाल है वो है, 2 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी है। व्यापार संघ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन मत होइएगा, ट्रेड यूनियन अधिनियम या व्यापार संघ अधिनियम एक ही बात है। तो ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1926 ईस्वी में लागू हुआ था, प्रथम बार जो लागू हुआ था। ट्रेड यूनियन अधिनियम या व्यापार संघ अधिनियम 1926 में लागू हुआ था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2019 को किन देशों ने यूनेस्को को छोड़ दिया। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जो विश्व धरोहरों, बौद्धिक संपदाओं आदि का संरक्षण करती है और उन्हें वर्ल्ड में मान्यता देती है। तो ये जो पहला ऑप्शन है हमारा, चीन, ईरान, ब्राजील, भारत, अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रिया, रूस। तो ये जो हमारा है सी, अमेरिका और इसराइल ने अभी 1 जनवरी 2019 को यूनेस्को को छोड़ दिया था। इन्होंने इससे पहले घोषणा कर दी थी, किंतु 1 जनवरी को इन्होंने अभी हाल छोड़ दिया है यूनेस्को को। अगला हमारा प्रश्न है, यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग के उत्तराधिकारी के रूप में समझा जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है निशस्त्रीकरण आयोग, दूसरा है बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति असेंबली, और चौथा स्थायी अधिदेश आयोग। पहला जो निशस्त्रीकरण आयोग है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है, इसमें हथियारों को, खासकर जैविक जो रासायनिक हथियार होते हैं उनके निशस्त्रीकरण के लिए संबंधित नियम बनते हैं। दूसरा है बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति। तीसरा है असेंबली, असेंबली जिसमें सारे जो भी मीटिंग्स होती हैं वो असेंबली होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की। और चौथा है स्थायी अधिदेश आयोग, मतलब स्थायी जो देश हैं उनका एक आयोग है। तो ये जो है हमारा बी, बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति है, बौद्धिक संपदाओं का ये संरक्षण करती है और अंतर्राष्ट्रीय समिति है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो भाग लेते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, 1 जनवरी 2019 को निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक को छोड़ने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं, ओपेक, उसको अभी किस देश ने छोड़ा है। तो ऑप्शन है हमारा, पहला नाइजीरिया, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है कतर और चौथा है ईरान। तो हमारा इसमें जो है वो होगा सी, कतर। कतर ने ओपेक को छोड़ने का फैसला लिया है। कतर क्या है, अब नेचुरल गैस पर जोर देना चाहता है, वो पेट्रोलियम को कम करना चाहता है, क्योंकि अब आने वाले समय में जो भविष्य है वो नेचुरल गैस का है। इसलिए वो अभी फिलहाल में 77 मिलियन टन नेचुरल गैस का उत्पादन करता है, जिसका लक्ष्य बढ़ाकर वो 110 मिलियन करना चाहता है। इसलिए हमारा आंसर है कतर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 6 जनवरी 2019 को तेलंगाना के प्रथम उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तेलंगाना में प्रथम उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो वो है हमारा, ऑप्शन है पहला ESL नरसिम्हन, दूसरा है TBN, तीसरा है राधा कृष्णन और चौथा है अशोक गजानन। तो हमारा जो आंसर है वो है TBN राधा कृष्णन। ये जो पूरा नाम है इनका TBN राधा कृष्ण है, TBN राधा कृष्ण। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो इससे पहले था हाईकोर्ट वो एक ही था, किंतु अब उनको अलग कर दिया गया है और उनके अलग अलग कार्य उनको सौंप दिए गए हैं। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आवारा पशुओं के लिए गौवंश आश्रम स्थल स्थापित करने की मंजूरी दी है, खासकर गायों के लिए। पहला है MP, UP, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो है UP, योगी सरकार ने खासकर गायों के लिए ये गौवंश आश्रम स्थल स्थापित करने के आदेश दिए हैं। अगला सवाल है हमारा,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2018 में संरक्षित और राष्ट्रीय महत्व के 6 स्मारकों को घोषित किया है। इन 6 घोषित स्मारकों में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शामिल नहीं है? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, आगरा की हवेली, हाथी खाना आगरा, नीम राना बावरी आगरा, या कांच महल आगरा। तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो कांच महल आगरा है, यानी कांच महल आगरा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है, और इनमें से जो बाकी सब हैं ये राष्ट्रीय स्मारक हैं। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में किसने जीत दर्ज की है? ऑप्शन है हमारा पहला खालिद जिया, शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान, या शकील अहमद। तो ये है हमारा शेख हसीना, जिन्होंने 300 में से 298 सीटें प्राप्त की हैं। इसमें जो विपक्षी पार्टी की थी वो खालिद जिया हैं, जो अभी वर्तमान में जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जो वहीं से अपनी पार्टी को कंट्रोल कर रही थी, जिन जो थी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। किंतु इसमें जो जीत दर्ज की है, 15 तीसरी बार चुनी गई है शेख हसीना, भारी बहुमत से 298 सीटों पर इसने जीत दर्ज की है। तो चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल के जरिए अलग होते हैं? यानी अंडमान और निकोबार जो अलग अलग द्वीप हैं, ये दोनों किस चैनल के जरिए अलग होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, या 20 डिग्री चैनल। तो हमारा ये आंसर है 10 डिग्री चैनल के जरिए ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC 2019 का विषय क्या है? पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक दोस्त या दुश्मन। दूसरा ऑप्शन है हमारा भारत मेक इन इंडिया। तीसरा है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या चौथा है वैज्ञानिक जांच। तो हमारा इसमें जो है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, ये 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है जो हर साल लगती है, और इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक और विदेशी जो खोजें होते हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इसे दिसंबर 2018 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा जो आंसर है वो है सुधीर भार्गव को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है CIC के रूप में, अभी अक्टूबर में। इससे पहले थे नीरज कुमार गुप्ता। चलिए हम अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी द्वीप रख दिया गया है? अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बरसी थी, यानी इस वर्षगांठ थी, उस पर अभी 3 द्वीपों का नाम बदला, जिसमें से एक है नेताजी द्वीप नाम रख दिया गया, वो द्वीप है रॉस द्वीप। इनमें से जितने भी ये ऑप्शन, रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी रख दिया गया है। इसी में से जो है ये नील द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है शहीद द्वीप। हेवला द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है स्वराज द्वीप। चलिए अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले जो जनजातियाँ, या जिसमें जो जीव आए थे, मनुष्य आया था, वो कहाँ से आया था, इसके ऊपर एक इसका पूरा आर्टिकल दे रखा है, लिखा है। तो ये टोनी जोसेफ ने लिखी है, ये लिखी है टोनी जोसेफ ने। हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, होम्योपैथी के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय होम्योपैथी परिषद, दूसरा है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, तीसरा है केंद्रीय पारंपरिक चिकित्सा परिषद, या चौथा है पारंपरिक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो जो हमारा आंसर है वो है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, जिसे होम्योपैथी के लिए स्थापित किया जाएगा। तो ये थे हमारे 15 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना। को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।